मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, 7 बजे, अभी करीब 8 बज रहे हैं और मैंने चाय भी पी लिया है। मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी क्योंकि रात को पॉसिबल नहीं होता, बहुत लेट हो जाता है। सो अभी मैं वो कर रही थी और आज मैं लंच में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं मार्केट, सो मेरा प्लान है फिश करी बनाने का बंगाली स्टाइल में। वो क्या लेके आते हैं, मैंने उनको बोला है फिश लेके आने के लिए। और आज हम गणपति भी करने जाने वाले हैं, उसके पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। एक रूम मेरा पूरा मैसी हो रखा है, जिस रूम में मंदिर है उस रूम को मुझे क्लीन करना है क्योंकि मंडे को जन्माष्टमी भी है और मैं किसी को इनवाइट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी उस दिन बिजी रहेंगे, सिंस मंडे है तो उनका ऑफिस है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। भगवान को भोग भोग बना के मैं ही देने वाली हूँ। और आज गणपति भी बुक करने जाने वाले हैं हम। फिलहाल तो आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, सो अभी मैं कुछ काम निपटा के आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। चलिए मैं आपको मेरा मेसी रूम दिखाती हूँ। तो मुझे ये सारे मेरे वॉश वाले क्लोथ्स हैं जिसको मुझे फोल्ड करके कबर्ड में रखना है। वहाँ पे एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है, ये जो हमने हाउस वार्मिंग में पहना था वो है, वो भी मैंने अब तक नहीं किया। और एक ये देखिए, ये क्या है, ये मेरे बेटे का फिलहाल के लिए उसका घर है। उसमें उसको विंडो भी है, उसके टॉयज रखे हुए हैं अंदर। यहाँ पे उसको एक डोर भी दिया हुआ है, ये डोर है। सो यहाँ पे एक काफी क्यूट सा हाउस है और यहाँ पे उसका किचन रखा हुआ है जिसमें वो खाना बनाता है। और ये मेरा मंदिर, यहाँ पे गणपति बप्पा है। मेरे घर पे आपको हर जगह गणपति बप्पा मिलेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही हम गणपति बप्पा को बहुत मानते हैं। सो चलिए इसको क्लीन करते हैं। सो इस बेड का मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो सबसे पहले मैं बुक से स्टार्ट करती हूँ, सारे मेरे बेटे के बुक्स रखे हुए हैं। सो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं लंच बनाऊंगी। आज का लंच मैं बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। सो लंच में आज दाल बनेगा, बंगालीज के घर पे दाल डेली कंपलसरी है और मेरा बेटा भी है तो मैं दाल बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने पापड़ा फिश लाया है, सो मैं पापड़ा फिश का एक झाल बनाऊंगी, मतलब करी टाइप बनाऊंगी जो कि मस्टर्ड सीड से बनेगा। सो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो चलिए मैं थोड़ा प्रेप कर लेती हूँ फिर आपसे। सो ये पापड़ा फिश है और यहाँ पे थोड़े कोरिएंडर रखे हैं, ग्रीन चिली और ये ऑनियन मुझे दाल के लिए चाहिए। यहाँ पे मेरा दाल बॉईल हो रहा है। आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, मसूर की दाल बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। फिश को हम कभी भी फ्राई करने से पहले हल्दी और नमक लगा के थोड़ा मैरिनेट करके रखते हैं। हल्दी और नमक
डाल के थोड़ा मैं इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। सो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसलिए मुझे कोई वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ऑनियन भी मैं इसमें नहीं दूंगी, टमाटो ऑनियन कुछ भी नहीं लगेगा, जस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, काला जीरा, यही सब इसमें जाएगा। मुझे काफ़ी लेट हो गया, फिश मेरा यहाँ पे मैरिनेट हो गया है। एक्चुअली एसी वाले आए थे सर्विस के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वीडियो में फिर आवाज़ आएगा। तो तब तक मैंने फिर राइस और दाल बना लिया है, टाइम को यूज़ करना चाहिए हमेशा। तो अभी मैं बनाऊँगी फिश करी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले फिश को फ्राई कर लूँगी। और हम बंगालीज मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिश फ्राई भी हम मस्टर्ड ऑयल में ही करते हैं। अब आप देख सकते हो तेल मेरा गर्म हो गया है, तो मैं गैस के फ्लेम को मीडियम करके, लो नहीं करूँगी, मीडियम करके इसमें एक एक फिश ऐड करूँगी। बहुत ही केयरफुली करना है इसको। फिश को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे बड़ा डर लगता है। अगर आप तेल को गर्म करके करोगे तो ये चिपकेगा नहीं, अच्छे से तेल गर्म होना चाहिए। और इसके बाद गर्म होने के बाद आंच को आपको मीडियम, फ्लेम को आपको मीडियम इसमें रखना है, स्लो भी रख दोगे तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर चिपक जाएगा। तो जब भी आप फिश इसमें डालोगे उसके पहले आपको मीडियम पे रखना है फ्लेम। तो ऐसे ही मैं सारे फिश को पहले फ्राई कर लेती हूँ। सो गाइस, मेरे यहाँ पे फिश रेडी हो गया है फ्राई करके, अब इसकी मैं करी बनाऊंगी। तो चलिए करी बना लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, तो मैं ऑयल में सबसे पहले काला जीरा ऐड करूँगी। मैं इसमें दो ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून। तो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट कभी भी ऐसे कंटेनर में भर के रखती हूँ, पहले से बना के रखती हूँ, तो इजी हो जाता है काम करने में। अब सारे ड्राई स्पाइसेस, हल्दी, नमक, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, मैं इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, और 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, जिसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे मसाले को। 1 स्पून जीरा पाउडर, आप इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर अभी मेरे पास धनिया पाउडर अवेलेबल नहीं है, मैं थोड़ा सा चॉप्ड धनिया ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड सीड्स लूंगी, और थोड़ा टेस्ट के लिए मैं इसमें खसखस ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। इसका मैं एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी, और इसको मैं लास्ट में ऐड करूंगी, आपको मिडिल में भी नहीं ऐड करना है। इसको पानी डाल, इसमें मसाले में अगर मैं अभी मैं पानी ऐड करूंगी, फिर उसको जब बॉईल आ जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा जब पानी, तब मैं इसको ऐड करूंगी, नहीं तो अगर मैं इसको पहले ही ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, वो बिटर हो जाएगा। सो गाइस, मैंने ये पेस्ट बना लिया है, और इसमें आपको ज़्यादा पानी डाल के रखना है, तो इससे क्या होगा, सरसों का जो कड़वा छिलका होता है वो नीचे बैठ जाएगा, आप ऊपर वाला पार्ट में यूज़ कर सकते हो, उससे आपका ग्रेवी क्या होगा, वो बिटर नहीं होगा। मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, पानी ज़्यादा क्योंकि ग्रेवी बनेगा। ये फिश करी जो भी मैंने बनाया, यहाँ पे दाल और यहाँ पे राइस है, और इसमें फिश फ्राई है मेरे बेटे का। सो यही है आज हमारा लंच।
यहाँ पे आए हैं गणपति बुक करने के लिए। एक्चुअली हमें इको फ्रेंडली गणपति चाहिए था, बट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को किसी को पता है कि कोलकाता में कहाँ पे इको फ्रेंडली गणपति मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं मिला इको फ्रेंडली गणपति, वो भैया ने हमको कहीं और का एड्रेस दिया है, तो अभी हम वहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि वहाँ पे मिलता है कि नहीं। एक्चुअली हमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज़ का होना चाहिए सिंस घर पे हम रखेंगे, तो इसलिए हम एक मीडियम साइज़ का देख रहे, देखते वहाँ पर जाके अगर मिल जाए तो अच्छा हो। इको फ्रेंडली गणपति मिल गए, तो अभी हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे बना हुआ नहीं है, ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है, तो हमने एक गूगल से फोटो निकाल के एक ऑर्डर दिया है, सो वो हमें 9th तक बनवा के देंगे। और जैसे मुंबई में गणपति पप्पा मिलते हैं वैसा ही वो एकदम डिट्टो बनवा के देंगे, ज्वेलरी वगैरह सब। सो गाइज मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको आज मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। सो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।